जातिवादी लोगों को सवाल तो नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि हम सभी आपका नेचर चरित्र को जानते हैं, फिर भी एक सवाल। आपने अपने भाषण में बोला कि अशोक सिंघल को आप सलाम किए, और वही अशोक सिंघल बोलता है कि मैं जेएनयू में बॉम्ब डाल दूंगा। जब अशोक सिंघल बॉम्ब यहाँ पे जेएनयू में डालेगा तो आप कहाँ छुपने जाएंगे, बताइए। मित्र, आप बात कर रहे हैं जातिवाद के, मैं बोलता हूँ कि हिंदू वही है जो समन्वय, समरसता, विश्व बंधुत्व, सौहार्द और संविधान की बात करे। मैं मित्रों को बताना चाहता हूँ, मैं वैसा भारत चाहता हूँ जहाँ मुफाद हो सर्वे भूत सुखना, सर्वे संतुलना, सर्वे भद्राण पश्चिम तो माँ का चित्त भाग भवे। मैं मित्र वैसे भारत देखना चाहता हूँ जहाँ मुफाद हो सहनावत सहना भुनक सहवीर्यम करवाव है, तेजस्विनावधित मस्तु माँ विदिस्ताव है। मित्र, मैं बताना चाहता हूँ भारत में कुछ दुष्ट मानसिकता के लोगों द्वारा दो कलंक लगाए, जातिवाद और छुआछूत। मैं यहाँ से हिंदू लीडर होते हुए इन दोनों का खंडन करना चाहता हूँ, लेकिन मित्र आपके द्वारा, आपके संगठनों के द्वारा, लेफ्ट के द्वारा जेएनयू को भी एक कलंक लगा है, एंटी नेशनल का जेएनयू का कलंक लगा है, भारत विरोधी का जेएनयू का कलंक लगाया गया है जो कि एंटी हिंदू का। इस कलंक को मैं इस मंच से धोना चाहता हूँ, और सिंघल जी, ठाकरे जी, अटल जी, सुषमा जी, जेटली जी, सब लोगों ने राष्ट्र के लिए कार्य किया, इस मंच से मैं उन लोग को नमन करता हूँ, मैं इस मंच से हाई कोर्ट को नमन करता हूँ। मित्र, आप बात करते हैं अम्बेडकर की, अम्बेडकर तो सबसे ज्यादा है, आप एक मजाक विशेष की बात करते हैं, प्लीज एड्रेस टू द चेयर, अम्बेडकर तो उसको वोटिंग कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन, लेकिन आपका विचारधारा इस देश में कभी सफल नहीं होगा। साथी, हम बता देना चाहते हैं, जिस मनुस्मृति की बात करते हैं आप, जिस मनुस्मृति करते हैं आप, वो मनुस्मृति इस देश के महिला है उसको जला के रखा है, और बाबा साहब ने ये जो मनुस्मृति है, जातिवादी मनुस्मृति, नारीवादी, नारी नारी नारीवाद के विरोधी मनुस्मृति, ये और ये आपका जो, आपका जो ये सोकल जो राम राज्य का बाद आपका योगी सरकार, आप जो आज मनु को इसको बता देना चाहते हैं, इस देश का दलित आदिवासी बता देना चाहता है, आप जैसे संगठन को उखाड़ फेंकेगा, इस देश का बहुजन आंदोलन।